कैसे हो मनीषा? बढ़िया बढ़िया। बात बात मनीषा जी, भाड़ा जी थोड़ा सा हम लोग नहीं रुकिए ना, थोड़ा जगह हो जाएगा, जगह हो जाएगा, सबको मिलेगा अच्छे से। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? मस्त। आपका वेट कर रहे थे, कैसा माहौल चल रहा है आपका आजकल बिग बॉस के निकलने के बाद? बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया मस्त। वेट 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 मनीषा जी, मनीषा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पूछो पूछो पूछो, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है मनीषा जो बहुत जल्द हमें आप देखने को मिले स्क्रीन पे? हाँ है, बट अभी रिवील नहीं कर सकते, मना किया गया, बट जो भी होगा सोशल मीडिया में आप लोगों को पता चल जाएगा। मनीषा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बिग बॉस में सब चीजें हुई अभिषेक के साथ, जो कि पार्शियलिटी हुई मेरे ख्याल से लगता है और जनता के हिसाब से, आपको क्या लगता है अभिषेक के साथ पार्शियलिटी हुई? क्योंकि पूजा भट्ट से उनका जो मतभेद था और जो इनकी जो सोच विचारों में जो मतभेद था, और पूजा ने भी बहुत कुछ कहा, अभिषेक ने भी बहुत कहा, उसका हर जाना तो कहीं अभिषेक को भूलना नहीं पड़ा इसके लिए? नहीं, ऐसा नहीं, नो डाउट अभिषेक बहुत अच्छा खेला और वो ऑलरेडी विनर है क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता, बट एल्विस भी बहुत अच्छा था, तो अगर वो जीता तो इसमें आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ने कुछ ऐसा किया। बाहर उसका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है कि फिर वो जीत गया, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, पूजा का जो पूजा नहीं, पूजा दूसरा दूसरा भाई आराम से रहेंगे, तुम मत चलो, तुम रुको ना, 2 बजे ना, उसमें एक अपॉइंटमेंट है बहुत जरूरी, हमारा थोड़ा ले लो। आप लोगों सब बोल रहे हैं आई लव यू गाइस, आप लोग से बोल रहे हैं, आपका गाना आने वाला है टोनी सर के साथ, उस पे क्या कुछ रिएक्ट करोगे? मनीषा लोक क्या यहाँ पे? मनीषा जी यहाँ पे, मनीषा जी यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे सामने, हाँ यहाँ सामने इनके कमरे में, मैम यहाँ पे मनीषा जी राइट में देखिए, राइट में यहाँ पे मनीषा जी, यहाँ पे ना, बहुत दिन बाद जिस तरह अभिषेक बिग बॉस के बाहर आने के बाद उसने अपना रिव्यू किया कि मेरे साथ कितना गलत हुआ था, कि मेरे सीन कट कर दिए गए थे अपने ब्लॉग में उसने बताया, जो भी ब्लॉग नहीं देखा कसम से, बट आपका कोई ऐसा, यस आपको कोई, आपका कोई ऐसा प्लान है जो आपका भी कोई सीन बिग बॉस में कट कर दिया गया जो नहीं दिखाया गया? नहीं करोगे, हम जब से निकले हम एक एपिसोड नहीं देखे, क्योंकि अभी इतना कुछ आ रहा है ना कि एपिसोड देखने का, हाँ रील्स जो आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, इतने सारे रील्स आ रहे, तो मुझे वही देख के खुशी हो रहा है, मुझे अल्टीमेटली लग रहा है कि मुझे ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार मिला, बिग बॉस ने क्या किया, कौन सा सीन काटा नहीं काटा, बट लोग मुझे इतना पसंद कर रहे हैं, तो पसंद कर रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली वही चाहिए था कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, और जो पसंद कर रहे हैं, तो फिर अब बिग बॉस क्या दिखाए नहीं दिखाए, बिग बॉस की वजह से आज जो भी है कहीं ना कहीं बिग बॉस की वजह से, तो बिग बॉस के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि 24 घंटा लाइव था और ऑडियंस मुझे 24 घंटे लाइव देख के समझ गए कि मनीषा रानी कैसी है, तो और मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुआ, और हम अपने ऑडियंस अपने फैंस को हमेशा कहेंगे कि जिसका कोई नहीं होता है उसका जनता होता है, और मेरा कोई नहीं था, आप लोग ने मुझे बनाया, तो थैंक यू टू ऑल माई फैंस, और हम हमेशा बिग बॉस को भी थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से मुझे इतना नाम और प्यार मिला, तो मुझे बिग बॉस ऐसे कुछ शिकायत नहीं, आप लोग का इतना प्यार मिल रहा तो ये मेरे लिए इनफ है, आई एम हैप्पी। मनीषा जी गाड़ी किधर है, कब खरीदोगे? जॉनी कक्कर के साथ एल्बम आने वाला है बहुत जल्द, बहुत अच्छा एल्बम, भगा दो चाचा।